हेलो एवरीवन, इस वीडियो सीरीज़ में मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है वान्या एंड बुक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों से तो हो जाएगा क्योंकि ये सोचने में काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट इसको कोडिंग लाइन में फॉर्मेट करना ये थोड़ा टफ है। मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, बट बेसिकली मैं सोचा इस क्वेश्चन में चलो करवा ही देते हैं, कुछ ना कुछ तो बेटर आइडियाज़ आप लोग ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो हर बार की तरह वीडियो को पॉज कीजिए एंड क्वेश्चन के ऊपर पढ़िए कि क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, देन मैं समझाता हूँ क्वेश्चंस को। नाउ आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ा होगा एंड आप लोगों को ये भी पता चला होगा कि क्वेश्चंस काफ़ी सिली है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पहाड़ वाला क्वेश्चन है। आप लोग आराम से कॉपी में तो मैन्युअली कर ही पा रहे हो, जैसे 13th है उसको मैन्युअली कर पा रहे होंगे, ठीक है। बट बेसिकली मैं फिर भी क्वेश्चन समझाता हूँ एक बार, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ गर्ल वान्या जिसके पास कुछ किताबें हैं, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही किताबें हैं, ठीक है। एंड इन किताबों को जो किताब के नंबर है 1 to 1 to n है, अब इन किताब्स को इन बुक्स को वो नंबर प्रोवाइड करना चाहती है। लेट्स से इनके पास 13th बुक है, ठीक है, 13 किताबें हैं, तो ये जो किताबों में नंबर लिखेंगी वो क्या लिखेंगी, 1, 2, 3 ऐसे करते करते 13 तक। अब बेसिकली 1 से 9 तक देखा जाए तो सिंगल डिजिट्स के हैं, तो इट मीन्स के सारे एक एक डिजिट है, इट मीन टोटल 9 डिजिट हुआ यहाँ पे। एंड 10 से 13 का देखा जाए तो टोटल डबल डिजिट के हैं, जो कि 4 into 2 इट मीन्स कि 8 डिजिट यहाँ लग रहा है, तो 9 + 8 कितना, टोटल 17 डिजिट हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि टोटल 17 कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है या 17 डिजिट रिक्वायरमेंट। कैरेक्टर तो हम लोग जब अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तब बोल सकते हैं, बट देखा जाए टोटल 17 डिजिट चाहिए बेसिकली, ठीक है। नाउ व्हाट कि अब सर सोचे कैसे, सोच तो पा रहे हैं ये इजीली है, बट अगर जिन लोगों को ये वीडियोस या ये क्वेश्चन लग रहा हो कि काफ़ी सिली है, ठीक है, तो पहले तो आप लोग वीडियो को यहीं भी पॉज कीजिए एंड खुद से अटेम्प्ट करके सबमिट कीजिए। जो क्वेश्चन का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सच में अगर आप ये क्वेश्चन का कोड लिख पा रहे हैं ना, इट मीन्स कि आपकी कोडिंग स्किल्स एक लेवल तक है कि आप किसी भी चीज़ का जो आप सोच रहे हो वो कोड आप लिख सकते हो। बिकॉज इस कोड को सोचने में बहुत पहाड़ वाली चीज़ नहीं है, आप लोग मतलब कि फिंगर्स में ही काउंट कर पा रहे होंगे कि हाँ कितने हैं, कितने डिजिट्स आएंगे टोटल, अगर 1 से n तक नंबरिंग करना है तब। बट पॉइंट ये नहीं है कि आप ये काउंट क्वेश्चन समझ के आप फिंगर्स पे काउंट कर पा रहे हो या नहीं, पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप उसका कोड लिख पा रहे हो कि नहीं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग इस चैनल से सीखिएगा तभी जब बेसिकली आप लोग खुद से कोड करना सीखिएगा, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम यही है कि सब कोई कोड करना सीखे। सोचना एक पॉइंट तक समझ में आ जाता है, लेकिन फिर अल्टीमेट बात आता है कि आप कोड कर पा रहे हो या नहीं। नाउ आगे बात करते हैं, जैसे कि रेंज कितना दिया हुआ है, 10 to the power 9, ये क्वेश्चन में सब लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये सब चीज़ें अंडरस्टूड मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने रेंज पढ़ा होगा, टाइम लिमिट पढ़ा होगा, सारे जो वेरिएबल्स के जो लिमिट दिए रहते हैं वो आपको पता होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आई होप शायद उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट कि मैं अब बता रहा हूँ कि कोड लिखेंगे कैसे, मतलब कोड को डिज़ाइन कैसे करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कोड को डिज़ाइन कैसे करेंगे। सोच तो पा लिए, अब डिज़ाइनिंग पार्ट में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ लेट्स से 1 से लेके 100 तक हमारे पास नंबर्स है। नाउ व्हाट, 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट है, और टोटल सिंगल डिजिट कितने हैं 100 तक में, 9। नाउ 10 to 99 टोटल कितने डिजिट्स है, टोटल जितने भी डिजिट्स है टोटल 90 डिजिट्स है, जो कि कितने डिजिट वाले हैं, डबल डिजिट वाले हैं, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं 100 से लेके 1000 तक। अब 100 से लेके 1000 तक इसमें 100 से लेके 999 तक ट्रिपल डिजिट वाले हैं, जो कि कितने अकाउंट में, 900। ये आप लोग भी काउंट कर सकते हैं। बेसिकली एक कोड को डिज़ाइन करने में ना पहले आपको बहुत सारे डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ता है कि मैं कैसे एक स्टेप मूव करूं, ठीक है, जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंगल डिजिट मैंने काउंट कर लिया 9 है, डबल डिजिट 90 है, ट्रिपल डिजिट 900 है, तो अब आपको सीक्वेंस का आइडिया लग गया। अब 4 डिजिट वाले कितने होंगे, 9000 होंगे, 5 डिजिट वाले 90000 होंगे। यहाँ तक क्लियर। नाउ अब कंक्लूजन सॉल्यूशन पे आते हैं। हम लोग एक एरे बनाते हैं। अब एरे क्यों बनाते हैं बताता हूँ। नाउ 10 to the power 9 है, टोटल कितने डिजिट्स हैं, इसमें है 9 0 और 1, इट मीन्स टोटल 10 डिजिट है। बट बेसिकली मैं 13 साइज का एरे बना लेता हूँ सेफ गेम खेलने के लिए। अब इंडेक्स 0 मत देखिए, इंडेक्स 1 देखिए, ठीक है। बेसिकली वॉट, एक मैं बात बताता हूँ, अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं, मैं बेसिकली एरे में वो स्टोर करना चाह रहा हूँ ना, 1 इंडेक्स को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ कि सिंगल डिजिट वाले नंबर कितने हैं, तो 9। 2 को रेफरेंस मान रहा हूँ कि डबल डिजिट वाले नंबर कितने हैं, तो 90। 3 को रेफरेंस मान रहा हूँ ट्रिपल डिजिट वाले कितने हैं, तो 900।
एरे में बेसिकली हम ये स्टोर कर रहे हैं हर इंडेक्स वाइज कि सिंगल डिजिट वाले कितने नंबर है टोटल, डबल डिजिट वाले कितने हैं, ट्रिपल डिजिट वाले कितने हैं, ये हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब बताता हूँ, 9 को क्या लिख सकते हैं, 10^-1 -1। 99 को क्या लिख सकते हैं, 10^2 -1। 900 को क्या लिख सकते हैं, 10^3 -1। अब मैं आपको अगर ये चीज़ नहीं बताऊँ ना, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूँ, तो आप बताओ फिफ्थ इंडेक्स पे आप क्या स्टोर करोगे, मैन्युअली आंसर करो। फिफ्थ इंडेक्स पे आप स्टोर करोगे 3,490,000। सिक्स इंडेक्स पे 9 लाख। आप ये कैसे स्टोर करोगे, मुझे आप इसका आंसर दो। पता है ये आप जब आपके इसे कोड लिखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, अरे हाँ यार ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगती है कि ऐसे पूरा 1 से लेके 13 तक आप इंडेक्स कैसे भरोगे, ये भी तो आना चाहिए, मैन्युअली तो भरोगे नहीं। अब हो सकता है बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाँ 1 में 9 डाल देंगे, 2 में 99 डाल देंगे, 90 डाल देंगे, 3 में 900 डाल देंगे, मैनुअली 13 तक कर सकते हो क्योंकि 13 तक बहुत बड़ा नहीं है, बट ये तो सही अप्रोच नहीं हुआ ना। तो बेसिकली हम लोग 3 में फर्स्ट में तो 9 एग्जैक्टली 10^1 -1, 2 में 10^2 -1 नहीं चलेगा, 10^2 -1 इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज वो 99 होता है ना कि 90 होता है, तो हम लोग फर्स्ट इंडेक्स वाला भी माइनस कर देंगे। बताता हूँ कोड, ये अपने आप में बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, आप इसे पहले ट्राई कीजिए, फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंडेक्स में टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स वाइज, जैसे फर्स्ट इंडेक्स इट मीन्स के सिंगल डिजिट के कितने नंबर है आप वो स्टोर करवाइए, सेकेंड इंडेक्स इट मीन्स के डबल डिजिट के कितने नंबर है आप वो स्टोर करवाइए, थर्ड इंडेक्स इट मीन्स के आप ट्रिपल डिजिट के कितने नंबर है आप वो स्टोर करवाइए। पहला टास्क तो आप यही मान लीजिए, अगर ये आपसे हो गया इट मीन्स कि आप बहुत अच्छे थिंकर हैं, अब जो सोच रहे हैं वो कर पा रहे हैं। नाउ आगे क्या, 0 इंडेक्स से तो कोई काम हम लोग का है नहीं, वो हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब वो काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड मैं बता दिया हूँ कि 1 पे 9, 2 पे 90 एंड 3 पे 900। नाउ व्हाट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर इससे सॉल्यूशन कैसे सॉल्व हो रहा है, ये तो आपने बस इंडेक्स में वैल्यू रखवा दिया, पता कैसे करें। तो टेक एन एग्जाम्पल, 9 = n = 13, ओके। नाउ इसमें सिंगल डिजिट कितने हैं, 9, और डबल डिजिट 4, यहाँ तक क्लियर। नाउ व्हाट, हम लोग एक वेरिएबल मानेंगे जिसमें रखेंगे काउंट, जो कि हमारा आंसर होगा कि टोटल डिजिट्स कितने हैं। इफ एन माइनस ए आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, जो एन और माइनस ए आई है, ए आई क्या है, फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू, मतलब कि ए आई उस एरो को मैंने ए माना है, ठीक है। अगर 0 है तो काउंट की वैल्यू हम लोग कर देंगे काउंट प्लस ए आई इंटू आई, और एन की वैल्यू कर देंगे एन माइनस ए आई। बताता हूँ क्यों, पहले एन माइनस ए आई चेक करते हैं, 13 - 9 फर्स्ट इंडेक्स की बात करें तो 4 पॉजिटिव है, एग्जैक्टली हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। तो 9 तो हमें पता चल गया कि माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है इट मीन्स कि वॉट क्या, हाँ भैया एन में से अभी 13 मत देखिए, एन में 9 माइनस हो रहा है, इट मीन्स कि 9 तो सिंगल डिजिट वाले हमें मिल जाएंगे, यहाँ तक क्लियर। तो 9 सिंगल डिजिट मिल जाएंगे तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 * 1 = 9। अब एन की वैल्यू क्या बची, एन की वैल्यू बची 4। अब 4 में से अब 1 इंडेक्स तो खेला ख़त्म, अब सेकेंड इंडेक्स पे आते हैं ना, 4 - 90 करेंगे तो निगेटिव आया, तो निगेटिव आया तो क्या करेंगे, तो आते हैं फिर एल्स पार्ट पे, एल्स काउंट की वैल्यू में जोड़ देंगे एन इंटू आई। अब देखिए, अब माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि क्या, जिस इंडेक्स पे भी जाके वो माइनस नहीं होगा, मान लेते ये सेकेंड इंडेक्स पे ही हमें मिल गया, मान लो 6 इंडेक्स पे जाके माइनस नहीं हो रहा होता, इट मीन्स कि वो खुद ही 6 इंडेक्स का है। इससे ये पता चल जाता है, अगर वो 6 इंडेक्स से बड़ा होता या 6 डिजिट वाले नंबर से अगर वो बड़ा होता, तो वो सारे 6 डिजिट वाले नंबर को माइनस कर चुका होता, उसके अंदर वो काउंट होते हैं। इससे ये पता चलता है, समझ पा रहे हैं मेरे पॉइंट्स को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बेसिकली अगर वो माइनस नहीं हो पा रहा, इट मीन्स कि वो खुद उसी डिजिट का है। तो अगर वो उसी डिजिट का है तो टोटल एन कितना बचा, 4, इट मीन्स के 4 उसी डिजिट के हैं, तो 4 * i, और इसमें i क्या है, 2, तो 4 * 2 = 8, टोटल कितना हो गया, 17। थोड़ा मोड़ा समझ में आया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, कोड तो यही चलेगा। एग्जांपल लेते हैं n = 233। अब पता है बहुत बार कोड बनाते समय ना आपको खुद से एग्जाम्पल्स एज्यूम करने पड़ेंगे, ये याद रखिए, एग्जाम्पल एज्यूम कीजिए आपने, वैसे मैंने ये कोड बनाया, मैंने कोड कहीं से देखा तो नहीं, मैंने कोड खुद बनाया, मैंने ये कोड बनाया, मैंने रैंडमली एग्जाम्पल ले लिया 233।
अब मैं देख रहा हूँ मेरे कोड पे ये चल रहा है कि नहीं। पहले मैंने मैन्युअली जो मेरा दिमाग कहता है, मैंने अपने दिमाग से इसे कैलकुलेट कर लिया कि सिंगल डिजिट 9 है, डबल डिजिट 90 है इसके अंदर, और रेस्ट ऑफ द ट्रिपल डिजिट 134 है। ये मैन्युअली हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं या सोच सकते हैं, बट मेरा कोड सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। अब मैंने जो कोड लिखा, अब मैं इसे ड्राई रन करूँगा, क्योंकि बेसिकली मैं कैमरा यूज़ नहीं कर रहा अभी, जस्ट मैं लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि मैंने मैन्युअली कैसे सोचा था। जैसे मैंने मैन्युअली ये कोड किया, अब ड्राई रन यही होता है जो मैं बता रहा हूँ। पहला मेरा कोड के अनुसार क्या है, 233 माइनस 9 224 पॉजिटिव आया। इट मीन्स वॉट, इट मीन्स कि इससे ये पता चल गया कि भैया 9 डिजिट तो ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट वाले हैं, मैंने माइनस कर दिया उसे। तो काउंट की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 1। इंटू वन क्यों कर रहे हैं या इंटू आई क्यों कर रहे हैं, इट मीन्स कि उतने उसी इंडेक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब, क्योंकि बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। इंटू वन करेंगे तो सिंगल डिजिट वाले मिल जाएंगे, ना अगर इंटू टू करेंगे इट मीन्स कि डबल डिजिट वाले मिल जाएंगे, इंटू थ्री करेंगे ट्रिपल डिजिट भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा कि इंटू वन और इंटू टू क्यों कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं आगे बताता हूँ, फिर बेसिकली एन की वैल्यू कितनी बची, एन की वैल्यू बची 224। अब 224 में देखते हैं क्या जो सेकेंड इंडेक्स वाला वैल्यू है वो पूरा माइनस हो रहा है। यस, पूरा का पूरा 90 माइनस हो जा रहा है इसमें से। इट मीन्स कि 90 डिजिट सेकेंड डिजिट वाले भी हमारे पास बच गए। ठीक है, मैं तो 90 डिजिट ऐसे हैं 224 में जो कि सेकेंड डिजिट वाले हैं। एग्जैक्टली वो तो वेल नोन चीज़ है, बट हम कोड को समझा रहे हैं। अब हमारे पास क्या आया, एन 134। अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जोड़ लेंगे हम 90 इंटू 2। ठीक है, 90 इंटू 2 क्यों, बिकॉज 90 डिजिट ऐसे हैं जो कहाँ से मिले हैं, सेकेंड इंडेक्स से मिले हैं। सेकेंड इंडेक्स का मतलब क्या, डबल डिजिट वाला है। इट मीन्स कि 90 इंटू 2 180 डिजिट्स है टोटल इसमें। नाउ व्हाट, अब हम लोग बात करते हैं 134 माइनस थर्ड इंडेक्स, अब तो नेगेटिव आ गया। इट मीन्स कि ये खुद थर्ड डिजिट का है। ठीक है, तो अब जो जितने ही बचे हैं 134, ये खुद थर्ड डिजिट के हैं, तो 134 इंटू 3 402, और टोटल कर दो, टोटल कितना आएगा, 591 डिजिट्स। सिंपल था, बट अगर आप ये खुद से सोचेंगे ना तब बहुत मज़ा आएगा। अब मैंने जो एरे में 9, 90, 900, 9000, 9 लाख भरे हैं ना, सच में पहले आप उसे भरिए, आपको बहुत मज़ा आएगी। यस, मैंने कुछ अच्छा कोड किया है। अब आते हैं इसके कोडिंग पार्ट पे। ठीक है, कंपाइलर ओपन करते हैं। अब नाउ, अब क्या करना है हमें कि हम लोग कोड इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो नाम दे देते हैं इसे बुक्स। ओके, नाउ अब बेसिकली यूजिंग नेम स्पेस STD। ओके, अब हमें इनपुट क्या दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है इंट एन। ठीक है, तो एन ले लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता यहाँ बताना चाहूँगा, एक होता है मैक्रोस। ठीक है, अब बेसिकली अब यहाँ पे मुझे 10 की पावर 9 दिया, मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखूँ सेफ साइड रहने के लिए। ठीक है, तो कितनी बार लॉन्ग लॉन्ग लिखूँगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ एक सेट कर देता हूँ, #define LL, इट मीन्स कि लॉन्ग लॉन्ग। अब जहाँ जहाँ मैं LL लिख दूंगा ना, इट मीन्स कि वो लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नाउ बेसिकली हम लोग एक एरे लेते हैं 13 साइज का। ठीक है, अब मैं यहाँ भी इसे LL कर देता हूँ, मेरी मर्जी, कर सकते हैं। नाउ 0, ठीक है, सब में 0 सेट कर दिए। अब हम लोग पहले क्या करते हैं ना, सब में ट्रिपल लाइन स्टोर कर लेते हैं, i=1 से लेके i<13 i++। ठीक है, अब कैसे स्टोर करेंगे, ए ऑफ आई बराबर पावर फंक्शन 10 टू द पावर i। यहाँ तक क्लियर। अब पावर फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें उसका हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, math.h। यहाँ तक क्लियर। अब लेकिन हमें तो 9999 ऐसा चाहिए नहीं, हमें 990 चाहिए, 9900। तो बेसिकली हम लोग एक लूप और चलाएंगे, फॉर इंट आई बराबर 1 से चलाते हैं। ठीक है, एंड 2 से चलाते हैं, बेसिकली हमें तो -99 को करना है, 9 तो ऑलरेडी हमारा सेफ है, i<13 एंड i++। अब बेसिकली हम लोग लूप में करेंगे क्या, फॉर j=1 से लेके j<i-1। ठीक है, एंड j++। अब इसको क्या करना है बताता हूँ, a ऑफ i में से माइनस कर देना है a ऑफ सॉरी बराबर a ऑफ i माइनस ए ऑफ जे। एग्जैक्टली, अब हमें जे माइनस कर देना है। अब जैसे जैसे अगर आप इसे लूप चलाइएगा ना, अच्छा इंट, ओके इंट, ठीक है,
इंट जे बराबर वन से लेके जे लेस देन इक्वल टू आई माइनस वन एंड जे प्लस प्लस अगर हम लोग करेंगे तो ए ऑफ आई बराबर क्या, ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ जे। अब मैं चाह रहा हूँ सब जगह लॉन्ग लॉन्ग कर देता हूँ, इंट लॉन्ग लॉन्ग, ऐसे इसमें ज़रूरत है नहीं तो मैं इसमें नहीं करूँ, 13 तक तो लूप ही जा रहा है। ओके नाउ अब क्या, अब हमारे पास ये वैल्यू हम लोगों ने सेट कर दी, वैल्यू इन एरे इज टू सेट, ये जो सेट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग एक वेरिएबल मानेंगे लॉन्ग लॉन्ग इंट काउंट सी ओ यू एन टी बराबर 0, ठीक है। फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, ठीक है। बेसिकली आप फॉर लूप कैसे चलाएंगे, फॉर लूप क्या, वाइल लूप चलाते हैं, वाइल एन माइनस ए ऑफ आई अगर ग्रेटर देन या बराबर 0 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू प्लस बराबर ए ऑफ आई इंटू जे कर देंगे, एग्जैक्टली जे कर देंगे, सॉरी आई कर देंगे। अब बेसिकली आई चलाने के लिए तो हम लोग फॉर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें आई डिफाइन करना पड़ेगा, सच्चा फॉर लूप में से कर देते हैं इंट, ओके वेट, ठीक है, इंट आई बराबर 0 सॉरी 1 एंड आई लेस देन इज इक्वल टू 13 एंड आई प्लस प्लस। ओके इफ अगर एन माइनस ए ऑफ ए आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तब हम लोग क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू प्लस बराबर कर देंगे क्या, ए ऑफ आई इन टू आई, ठीक है। और एन की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने वहां से मान ले 9 घटा दिया, अगर 13 था वैल्यू, एन की वैल्यू 13 था, 9 घट गया, अगर 9 घट गया इट मीन्स कि 9 से प्रेजेंट है। अब नाइन का नया वैल्यू, एन की नया वैल्यू क्या होगी, एन माइनस ए ऑफ आई, ये एन की नई वैल्यू होगी। एल्स, अब एल्स पार्ट में क्या होगा, काउंट प्लस बराबर एन इंटू आई, क्योंकि तो रेस्ट बच जाएगा ना, और ये हम फिर से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि फिर आगे लूप चलाने का कोई मतलब है नहीं, और फिर ब्रेक कर देंगे तो फिर सी आउट काउंट, ठीक है, एंड एंडल, डेट्स इट। अब कहीं लॉन्ग छूटा नहीं, नहीं छूटा, ये चीज़ समझ में आया ना, लूप हम लोगों ने चलाना स्टार्ट किया। अब जब तक कि ये चीज़ पॉजिटिव है, जो मैंने बताया था, इट मीन्स कि 9, 990 सब प्रेजेंट होगा, तब तक तो काउंट की वैल्यू ए ऑफ आई इन टू आई एंड एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जैसे एल्स पार्ट चलेगा, इट मीन्स कि अब एंड है, अब आगे बढ़ाने का मतलब नहीं है, अब रेस्ट जितना ही बचा उसे हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे, ये ब्रेक इस लूप का है। अब ब्रेक हो गया, काउंट प्रिंट कर देंगे, अब कंट्रोल प्लस से कॉपी करते हैं एंड सबमिट करते हैं इसे। सबमिट करने के लिए फिर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, जो मैंने किया नहीं है। सेट मैन हेलो वर्ल्ड, यस लॉगिन, एंड जल्दी हो जा, मतलब बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना था कि नहीं मैंने गलत फोल्डर चूज़ किया, सबमिट बुक्स ना, बुक्स सीपी। बहुत बार लोग मतलब मैंने मैंने मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ है कि वो लोग कोड से ही करते हैं, बट जो फाइल सबमिट करना था ना वो गलत करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। इन क्यू रनिंग लाइन पे अभी फर्स्ट पास किया, मतलब चल रहा है बेसिकली, सक्सेसफुल हो जाए यार, पता जब बहुत ज़्यादा, अब अगर आप लोग सच में रियल मायने में कोड कर रहे होंगे तो बहुत स्ट्रेस वाला काम है ये, मतलब कि लगता है यार सक्सेस कब होगा, पूरा तरह से कहाँ गलती आएगा कहाँ गलती नहीं आएगा, तो बहुत अजीब सा लगता है। अगर सक्सेस हुआ तो खुशी ही मिलती है, एग्जैक्टली कि यस सारा टेस्ट कस पास कर गया। ओह सेट, पहला में ही गलती है, पहला में क्या गलती है यार, आउटपुट आ रहा है 16 एंड आंसर है 17 एग्जैक्टली। अब हमारा 16 क्यों आ रहा है, बेसिकली हम देखते हैं, 90 आई से स्टार्ट किया हम लोगों ने, काउंट की वैल्यू 0 है। ओके अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, काउंट की वैल्यू ओके 0, 1 लेस देन 13 आई प्लस प्लस, एन की वैल्यू एन ऑफ ए माइनस आई एंड एन इन टू आई। ओके तो 13 एक कहाँ छूट रहा है, मतलब ऐसा क्यों हुआ, एन की वैल्यू चेक कर देते, मैनुअली हम लोग चेक करते हैं, हमारे से कोड गलती हो गया, ठीक है, 13 के बदले 16 आ रहा है, 13 के बदले 16 आ 17 आना चाहिए था। अब हम लोग अगर एन 13 है तो हमारे यहाँ तो सही किया होगा, आई होप, प्रिंट करके देख लेते हैं ये चीज़ सही आ रहा है कि नहीं। फॉर
इंट आई बराबर जीरो, सॉरी आई बराबर वन, आई लेस देन 13th, आई प्लस प्लस, एंड सी आउट ए ऑफ आई एंड एल, क्रॉस चेक करने के लिए कि चीज़ सही चल रहा है या नहीं, ठीक है। एंड इसे फिफ्थ अगर कर दें, थ्री कर देते हैं, देखते हैं गलत है या सही। यस, ये चीज़ तो सही आ रहा है पूरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे 13th, 1, 10 टू द पावर आई माइनस 1 भी तो होगा। एग्जैक्टली अब हम इसे कॉपी करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या सेव कराना था, 999, तो हम लोग 100, 10, 100, 1000 स्टोर कर रहे थे, तो ये गलत है। कॉपी, अब कॉपी करने के बाद फिर से गलत, सबमिट, मतलब ये होता है ना, देखिए मैंने कोड लिखा है, मुझे पता था। अब बेसिकली यही आपको करना है, क्रॉस चेक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं कि गलत हो गया मेरा, ख़त्म खेला, नहीं, मतलब कि हेलो वर्ल्ड रनिंग ऑन टेस्ट 1, पास कर जाए इस बार यार। तो ये मैटर करता है कि आप फिर से क्रॉस, जब मैंने एक बार क्रॉस चेक किया मुझे गलती पता चल गया यहाँ पे, अब कुछ और होगा तो कुछ और गलती होगा, बहुत टाइम लगता है, फिर से गलत है, फिर से गलत है, फिर से गलत है। ओके अच्छा, मैं इस बार ये भी प्रिंट कराने लगा, सेट मैन, सेट 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 सेट, कॉपी, क्या कर रहा है प्रिंस तू, नाउ अगेन सबमिट, चूज फाइल, ब्राउज फाइल आई मीन, सबमिट हो जाओ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा खिंच गया है क्वेश्चन समझाने के चक्कर में, और मैं गलतियाँ पे गलतियाँ करे जा रहा हूँ, तो ऐसा प्रेशर बढ़ जाता है कि इतने लोग देख रहे हैं क्या सोचेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अच्छा था, ठीक है। मैंने होमवर्क में सोचा दे दूं, बट बेसिकली मैं सोचा कि ये नहीं यार, सिखा दूंगा तो कुछ अच्छी चीज़ पता चल जाएगी। अगर सच में वीडियोस में कुछ अच्छी चीज़ आपने सीखा तो वो प्लीज़ मेंशन करके बताओ क्या अच्छा लगा, एंड प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि मैं गलती भी काफ़ी कर रहा हूँ, लाइक क्या करोगे, ठीक है। 24 पे चल रहा है, इस बार तो पास कर जाए यार, मतलब काफ़ी स्ट्रेस होता मुझे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा, चाहे मैं खुद भी कोडिंग कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार क्या पास कर जाना चाहिए, काफ़ी मेहनत से कोड लिखा है मैंने। आई होप कोड में तो दिक्कत नहीं आई होगी समझने में, बेसिकली कुछ क्वेश्चन में बस लॉजिक था कि कोड कैसे लिखे हम लोग, अब मुझे डर लग रहा है 26 के बाद, बढ़ ही नहीं रहा। 26, 27, एक्सेप्टेड, यस एक्सेप्टेड। टोटल कितने इन्होंने टेस्ट केस पास किया है देखते हैं, सबसे नीचे जाते हैं, ओके कहाँ गया, टोटल इन्होंने 47, 48, 50, टोटल इन्होंने 55 टेस्ट केस पास करें, ओके कोई बात नहीं। एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा, चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।